जय हिंद दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में सेना के हेलीकॉप्टर रुद्र के क्रैश हादसे में शहीद हुए रोहितास खेरवा का झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में पोसाना गांव की खेरवा ढांडी में सोमवार को रात के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले साथी जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शहीद रोहितास की पार्थिव देह को 5 साल की बेटी रतिंग्या ने मुख्य अग्नि दी। लोगों ने नम आंखों के बीच वीर बलिदानी का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दिवाली के दिन त्योहार की खुशियां एक तरफ छोड़कर पूरे गांव ने अपने बेटी की शहादत पर गर्व से आंसू बहाए। शहीद रोहितास की 5 साल की बेटी रतिज्ञा को मालूम नहीं था कि पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। जवान रोहितास की पार्थिव देह उनके पैतृक गाँव पोसाना में खेरवा की ढांडी पहुंची तो वीरांगना सुनीता बेसुध हो गई, जिसे परिवार वालों ने पकड़कर शहीद के अंतिम दर्शन करवाए। दीपावली का त्योहार छोड़कर पूरे गांव की महिलाएं शहीद के घर पहुंची। महिलाओं ने शहीद के परिवार को संतावना दी। शहीद रोहितास का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान पोसाना समेत कई गाँव के लोग अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। शहीद रोहितास अमर रहे के नारे लगाते रहे। इससे पहले पार्थिव देह रविवार 9:30 बजे गुड़ा गड़ोजी पुलिस थाने पहुंची। तिरंगा यात्रा के लिए पार्थिव देह लेकर जाने वाले ट्रक को फूलों से सजाया गया। सोमवार सुबह तिरंगा यात्रा के साथ पैतृक गांव के लिए रवाना हुई थी। सुबह 10:30 बजे तिरंगा यात्रा पैतृक गांव पहुंची। परिवार और गांव के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। गुड़ा गड़ोजी के पोसाना गांव तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रोहितास खेरवा अपने परिवार में दूसरे शहीद हुए हैं। रोहितास के ताऊ दयानंद खेरवा ने बताया कि परिवार के लिए यह दर्द इसलिए भी बड़ा है क्योंकि रोहितास के दादा ग्रेनेडियर बालाराम ने 11 सितंबर 1967 में देश के लिए शहादत दी थी। बालाराम रोहितास के दादा पृथा राम के सगे भाई थे। वे 27 नवंबर 1962 को भर्ती हुए थे। दयानंद खेरवा ने बताया कि बचपन से ही रोहितास अपने दादा की शहादत की कहानियां सुनता था। उसे सेना में जाने का शौक था। पुसाना गांव में रोहितास 6ठे शहीद हुए हैं। पुसाना में शमशान के पास अमर शहीद शमशान पर बनाया हुआ है, जहां शहादत देने वाले शहीद सेडूराम मीचू शहीद जोधाराम और कई शहीद जवान की समाधि है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी का दाह संस्कार कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को टूटिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर सिंगे गांव के पास सेना का हेलीकॉप्टर रुद्र क्रैश हो गया था। हादसे में रोहितास समेत 5 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर बलिदानी रोहितास जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।